कि हम लोग का मतलब जिंदगी का हिस्सा बन गए, तो हमको उसके साथ चलना ही पड़ेगा। तो उसमें कपिल सर भी आपके बात से सहमत हो गया और आप लोग ने ये शूटिंग शुरू की। तो वो बोल रहे कि चलो कपिल शर्मा के शो से अर्चना जी और कपिल जी की जो ये सोच है अच्छी हो जाए, सब इसमें सफल हो जाए और बाकी लोग भी इसमें मतलब नहीं क्या भाग ले और अपने अपने काम शुरू करे, मतलब सब पालन करके जो मतलब मास्क पहनना, सैनिटाइजर करना और ग्लव्स हो और दूरी रखना, ये सब चीजें करके अगर काम करेंगे तो अच्छी बात है, मतलब कोई टेंशन नहीं तूने होगा। कहाँ वीडियो देखा ऐसा? यूट्यूब पे आया था वो तब मैंने लेकिन देखा। हमने शुरुआत नहीं की, बहुत सारी शूटिंग्स ऐसी पर शुरू उन्होंने हुई। बोला कि ये भी मतलब कितने दिन से कपिल शर्मा शो भी बंद था ना, कि इसी हाँ वजह से कि बाबा, तो उन्होंने इसमें से भी कुछ मतलब हल निकाल के बाबा शुरू किया, मतलब आप लोगों ने हाँ पूरी इंडस्ट्री शुरुआत ने, पूरी इंडस्ट्री ने एक साथ मिलकर, लेकिन मिलकर हाँ प्रिकॉशन वगैरह हमको गवर्नमेंट, बाकी के भी लोगों को अभी भी डर है मतलब नहीं क्या। तो आप तो बोल रहे हैं ना कि अभी ये तो हमारी जिंदगी का मतलब हिस्सा ही बन गए, तो उससे हमको जुड़ना ही होगा, ऐसा आपने मतलब ये भी सोच मतलब आपकी बताई है। हाँ अच्छा अगर सब चीजें आप ध्यान रखोगे तो उसके लिए, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, ऐसा बोल रहे मतलब। हाँ क्योंकि तो अभी भी लोग बिना मास्क के घूम रहे पर हैं तू तो देख रही है ना कि हम मैं कैसे जाती हूँ और ये सुबह। सब बहुत एक तो इतना मतलब टेंशन होता है आपका, क्योंकि जान हथेली पे लेके जाना पड़ता है, ये कोई मतलब और नॉर्मल चीज नहीं है। वापस आते तो मेरा पारा कितना हाई होता है। बहुत पहले मैं वही बोलती, फिर मैं ही सोचती कि नहीं उनकी बात सही है, क्योंकि इतना मतलब वहां पे भी उनको झेलना पड़ता है, सब हाँ चीजें अभी खुद ही कर रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे भी खुद ही मेकअप करके सामान भी लेके जाते हैं, सब करते हैं, तो और उसमें जाहिर सी बात है सर की चिड़चिड़ तो हो ही जाती है, हाँ गुस्सा हो ही जाता है सर, तो बस वो समझने वाला चाहिए। और सारा कुछ पर निकलता है। नहीं उनकी भी सही है, जान हथेली पे लेके जाते हैं और कर रहे हैं हमारे लिए, फैमिली के लिए कर रहे हैं, इतना तो बनता है। और वो भी इतने दिन के बाद डांट सुनने के बाद मुझे खुशी भी हो रही है। तेरे को याद कर रहे थे कपिल शर्मा शो पर? हाँ हाँ अभी तो एपिसोड देखना। चलो अच्छी बात है, बोलना देखो हमने घर पे रह के भी हमारा फर्ज पूरा किया। और वो कह रहे हैं कि जो आप वीडियो बनाते हैं उसका पैसा शेयर करो जो इंस्टाग्राम। मैंने कहा यार पैसा कहाँ मिलता है? उसके लिए नहीं किया नहीं, लेकिन मिलता कहाँ है? आपको पता तो आप चेक भेज के दो, क्योंकि बाकियों को तो नहीं आया। हमको तो नहीं आया, आप हमें बता दो कहाँ से मिलता है, आप पिकअप कर लेना चेक और हमको भेज देना। नहीं बाबा, बोलना उन दिनों में ऐसा बोलना, सब तनाव चल रहा था, सब बेचारे टेंशन में गए, तो बस थोड़ा सा बोलना आपने और हमने थोड़ा हंसना हंसाने की और कुछ नहीं। मेरे मैडम ने किए वो सब, उनसे ही सीखा नहीं। तो लेक लोग, लेक लोग क्या बोल रही हूँ मैं, लोग तेरे को मिस कर रहे थे, बोल रहे थे भाग्यश्री बहुत दिनों से नहीं दिखी। वो बोला बहुत दिनों से मतलब थोड़ा सा ही चढ़ रहा था। थोड़ा सा बोलना हमारा ली थी, हाँ ली थी थोड़ी सी, अभी बोलना वापस आ गए। हाँ और घर में थोड़ा टेंशन है, ये सब काम शुरू हुआ है तो मैडम को काम शुरू हुआ है तो अभी वो दिन गए मेरे, अभी इतने दिन टाइम था इसलिए उन्होंने वो टाइम इतना अच्छे से बिताया, जो मतलब हमारे नसीब में था वो टाइम। अभी काम शुरू हो गए तो अभी भूल जाना। हाँ अभी बैक टू नॉर्मल, नॉर्मल एकदम नॉर्मल, क्योंकि अभी तो टाइम मिलने वाला है नहीं। हाँ। आपको वही काम का टेंशन रहेगा, अभी वहां पे जाने के बाद अभी ये करना है वो करना है ये करना है, बहुत टेंशन रहता है सेट पर। हाँ और सब आपको सोच समझ के सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आपकी भी जिम्मेदारी है तो आपको भी उसको वही करना पड़ेगा, तो ये चीजों के लिए थोड़ी ना अभी टाइम होगा ना। पता चाय पीने को नहीं मिलती वहां पर, क्योंकि मैं सोचती हूँ अगर मुझे कोई चाय लाकर देगा तो मैं उसके हाथ से चाय नहीं पी सकती, मैं भी नहीं आ सकती ना, नहीं आ सकती अब तू तो आपको इतना टेंशन नहीं होता। पर मैं भी नहीं आ सकती ना, क्योंकि अभी भी वहाँ पे भी आप बोलते हो ना, नहीं नहीं कोई नहीं आ सकता सेट पर, अलाउ नहीं होता। पहले अगर हमारे यूनिट में 100-150 लोग थे तो अब तो सिर्फ
30 नहीं ऑडियंस नहीं है और क्रू वाले भी कम हो गए हैं, ताकि सबसे कम से कम लोग हों तो कम से कम हाँ डर रहे। हाँ सो डरने वाली बात है मैडम ना, आपने मुंबई में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है बोलते अभी। आई नो लोग समझ रहे नहीं तो क्या कर रहे हैं। नहीं लेकिन हमारे सेट पर सब समझ रहे हैं, लेकिन प्रॉप लेकिन बड़ी मतलब वो जो पहले मजा आता था ना शूटिंग में, पहले इतनी सारी भीड़ रहती थी, सब हंसी मजाक, एक दूसरे को दूर से देखते हैं और बोलते हैं हेलो हाय कपिल हाय, पहले पता है बराबर गले मिलना, हाँ ये सब दावी दूर से और वेरी गुड नमस्ते तो बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तानियों ने कितने सालों से ये सीखा हुआ है कि दूर से ही हेलो और नमस्ते बोलनी चाहिए, हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है, वही तो ये गले मिलना ये अभी भी शुरू हुआ है, तो पहले नमस्ते जी क्या हाल चाल है ऐसा करते थे, अभी तो डायरेक्ट गले। मेरी चाय ठंडी हो रही, तेरे से बातचीत कर रही हूँ ना और ये वीडियो ले रही हूँ, मेरी चाय ठंडी हो रही।